जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह सुमानुल्लाह ज़िया ख़ान साहब खैर अपनी आजी करते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें एक ऐसा हीरा दिया है कि मैंने हर फोरम पर यह कहा है कि जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हमारे पास मोहसिन पाकिस्तान की सूरत में एक अल्लाह ने हीरा दिया, अल्लाह ने हमें ज़िया ख़ान भी ऐसा हीरा अता फरमाया। बच्चों आपसे अर्ज करूँगा कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आपका मुल्क है, इसे वफा करें, इसे मोहब्बत करें और पाकिस्तान के लिए जिए, पाकिस्तान के लिए मरें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन सर ज़िया के साथ जो काम किया एक बहुत बड़ा हैरत कुन मतलब मामला है कि इस आदमी ने आज तक हमसे एक पिनी नहीं ली, एक पिनी। 2014 से लेकर 2022 तक हमारे साथ अपनी गाड़ी में आते हैं, अपना पेट्रोल इस्तेमाल करते, कभी इस शख्स ने एक पिनी हमसे नहीं ली, कभी चाय की ख्वाहिश नहीं की, कभी खाने की ख्वाहिश नहीं की। तो यार साथ में कोई सिंबल बना लो आप कि देखो ये होता है काम, फिर आदमी जिंदा रहता है ना। मैन कैन डाई, मेमोरी कैन नॉट डाई। अगर आपको जिंदा रहना है ना तो आप अपने से काम करके जाओ जो ज़िया ख़ान साहब कर रहे हैं, क्योंकि हम तो मर जाएंगे कल, लेकिन हमें ये करना होगा। हमें पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को डुबोने के लिए पूरी दुनिया का दुश्मन मुतहरिक है, मगर मेरा और आपका ईमान होना चाहिए कि पाकिस्तान नहीं डूबेगा, पाकिस्तान इंशाअल्लाह कायम तक कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, यानी कि लोग तारीफ़ करते हैं लेकिन वाकई हमने उनको बहुत करीब देखा। सर ज़िया और हमारी तो इनसे इतनी इतनी बार बार मुलाकातें कि बंदा पहचान लेता है। देखिए अंदाज़ा लगाएं कि वो सदर पाकिस्तान हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, 65-60 साल की उम्र के हैं, उन्होंने पाकिस्तान को छान मारा होगा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाया क्या जा रहा है, लेकिन उन्होंने देखा कि कोई भी पढ़ा जा रहा है इसे कुछ नहीं होने का। उन्होंने सर ज़िया से और सिरानी दोस्ती की, आज माशाल्लाह ये माशाल्लाह जो है फूल खिले हुए हैं। अल्लाह इस फूलों को आबाद रखे, शादबाद रखे, कामयाब रखे, आमीन।